400 बीघा गोचरनोट भूमि पर अवैध खनन का मामला। पूर्व सरपंच ने शंभूपुरा SHO पर लगाए मिली भगत के आरोप। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के घटियाबली ग्राम पंचायत क्षेत्र के केलझर रोड पर करीब 350 से 400 बीघा गोचरनोट भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत के ही कुछ लोगों के द्वारा वहां अवैध रूप से बेश कीमती काली मिट्टी का दोहन करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते सरपंच परिवार होम क्वारंटाइन है, पटवारियों की भी हड़ताल है और 2 महीने से पंचायत में कोई ग्राम सचिव न होने का वो लोग लाभ उठा रहे हैं और रात के अंधेरे में गोचर भूमि पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिस पर शंभूपुरा पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही पर घटियाबली ग्रामीण अजय सिंह सत्तावत ने भूमाफिया के साथ मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। तो ही थाना अधिकारी ने भी किसी प्रकार के अवैध खनन की बात से साफ इनकार किया। दूसरी ओर अवैध खनन करने वालों को लेकर उक्त गोचर भूमि पर खनन करने का एक ऑडियो भी जारी हुआ, जिसमें एक ग्रामीण खनन माफिया से बातचीत कर रहा है। उसमें साफ गांव के डेरा स्थान पर मशीनें लगाकर गारा यानी कि मिट्टी खनन की बात कही जा रही है, जो देश को गालियां भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता खनन विभाग संबंधित थाना अधिकारी ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं। सभी का ये निचोड़ जरूर निकलता है कि गोचर भूमि पर अवैध खनन लगातार जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। उच्च अधिकारियों द्वारा सच्चाई का गला घोटा जाता है या इसी तरह झूठ ही पैर चलता रहेगा और गोचर भूमि खुद ब खुद हो जाएगी। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की खास रिपोर्ट। बोलर फर्स्ट डाल ली निर्गाम में कही बोलर तो मंगे जी की 40 गड्ढा मंगे है। अरे 40 गड्ढा मंगे जी की का कहीं हमने गारो नहीं भरवा दे रहा है डेरा में। डेरा को गारो नहीं भरवा दे रहे बनो थर गारो से भरो जरूरी की दुनिया देश तो कुछ जाए तो कुछ दिए ये करा दे मु कमानी गाऊं कोई किस्सा कटू करूं का मेरे लाल मशीन खड़ी कर दूं। अच्छा दूसरा कहीं कर जा दूसरा कमानी खा जा मारे की काम दिया भेज दिया साल दी पैसा आ रहा है तो आ रहा बटू आ रहा बटू आ रहा मारे की काम है मार तो मशीन की तो बराई नहीं आया। कौन चला रहा है बानू बोलो गाड़ी तो मारा आदमी चला रहा है 40 से 50 दे रहा तो खड़ी है बानू। अच्छा 50,000 को धरी ले हूं पर रात में का 50,000 को धर मिल दो बानू बेटा की बात है। अच्छा हाई भाई डाल ले उसने तो आज का हाई भाई ने झोपी आगे जी का पग टूटेगा अजय सिंह की बात मान जाता हूँ लॉकडाउन में केस वाले ही नहीं लेवे दीजिए कोई नहीं लेवा मैंने मार बताओ पहला पैसे नहीं ली जाएगी इसके बाद है छूट देवे देश देश अगर बंद यार बात नहीं हुई यार केस वाला पैसे नहीं लेता देश बंद वेरियो में आ कोई जगह हाँ हाँ अरे देश में आपने कई काम है यार आपने जो पैसा कमावा जो किस दे रहा विकी बात कही ना मैंने ठीक हेलो चला चला सर नमस्कार। नमस्कार शंभूपुरा थाने से SHO साहब कैलाश जी बोल रहे हैं। सर नव भारत समाचार न्यूज चैनल से दुर्गेश लक्षकार बोल रहा हूँ। घटियावली में गोचरनोट भूमि पर एक अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि 300 बीघा गोचरनोट भूमि पर अवैध खनन हो रहा था। इस संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की गई है सर? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई आप गए थे मौके पर थाने से कोई नहीं। अच्छा सूचना मिली थी हम वहाँ पहुंचे तब तक वहाँ कुछ भी नहीं था खाली एक JCB और एक ट्रैक्टर आते हुए मिला था खाली थे वो भी जी। उनको लाके MBFT में बंद किया। अच्छा उनको लाके बंद किया था। इस माइनिंग विभाग को सूचना दी थी इस बारे में? नहीं माइनिंग का तो हमारे सामने कोई बात ही नहीं आई थी ना। अच्छा है ना वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब खनन नहीं पाया गया आपका कहना है? हाँ हमारे सामने कोई नहीं मिला। उस गौचर भूमि पर JCB और ट्रैक्टर तो थे वहाँ पे जब्त किया गया है? वहाँ नहीं मौके पर नहीं मौके से काफी दूर मिला हमारे को।
अच्छा ठीक है सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। पत्रकार दुर्गेश लक्षकार बोल रहा हूँ, नव भारत समाचार टीवी चैनल से। हाँ सर। नव भारत समाचार टीवी चैनल से। अच्छा सर बोलिए। जी जमनालाल जी बोल रहे हैं ना। गटियावली में कोई गौ चरनोट की भूमि पर अवैध खनन का मामला सामने आया था। अच्छा। सवेरे 4 बजे के लगभग का, और शंभूपुरा थाने द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। अच्छा अच्छा। उसमें आपको कुछ सूचना है या इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की गई बताएंगे आप? नहीं अभी तक तो सूचना नहीं मिली मेरे को कोई। अच्छा। सुबह 300 बीघा जमीन पर गटियावली में कार्रवाई की गई थी जहाँ पे अवैध खनन हो रहा था गोचर नोट पे, इस प्रकार का मामला है सर। अच्छा तो नहीं मेरे को कोई जानकारी भी नहीं है अभी तक, कोई सूचना नहीं। अच्छा चलिए सर धन्यवाद। मैं अजय सिंह आम नागरिक ग्राम पंचायत गटियावली, ये गंभीर विषय पर आप समस्त नेतागण पक्ष विपक्ष एवं अफसरशाही सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत गटियावली में चरनोट भूमि पर खनन एवं अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरपंच एवं सरपंच पति ये सरपंच परिवार होम क्वारंटाइन होने की वजह से, पटवारियों की हड़ताल होने की वजह से, और 2 महीने से कोई ग्राम सचिव ना होने का लाभ लेकर रात्रि के दौरान ये खनन कार्य किया जा रहा है, उससे पूरी चरनोट का जो है बिगाड़ा हो रहा है। अतएव निवेदन है, अच्छा 3 बार थानेदार शंभूपुरा को सूचित किया गया, 5 तारीख को रात 12:15 बजे, 9 तारीख को करीब 2 बजे और 11 तारीख को 3:15 बजे। उसके बाद 11 तारीख को 4 बजे पुलिस वाले आके JCB और 2 ट्रैक्टर ले गए, उनमें से 1 ट्रैक्टर रास्ते में से गायब हो गया और दोनों ट्रैक्टर और JCB को कुछ समय बाद में छोड़ दिया गया। उसकी क्या कार्रवाई की उसके ये संदिग्ध है। अतएव निवेदन है कि गांव चरनोट जो कि इराल कटियावली नेतावल और गिलुंड इतनी 4 पंचायतों के बीच में ये भूमि है और इस भूमि का इतना वर्ग इतनी बड़ी ज़मीन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होने की वजह से इस गौचर का विनाश ना हो उसकी कार्रवाई की जाए। मैं रामचंद्र गाडरी पूर्व सरपंच गटियावली, मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत गटियावली में 350-400 बीघा जमीन गौचरनोट की पड़ी हुई हैं, वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, कई दिनों से जैसे भी ट्रैक्टरों से खनन किया जा रहा है, उनके बावजूद पाबंद किया उनके बावजूद भी फिर से वापस सक्रिय होते हुए भूमाफियों ने फिर से शुरू किया। और मैं थानेदार महोदय समूपरा से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप पाबंद किया जाए, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और खनन विभाग मंत्री महोदय मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, MP महोदय MLA साहब मैं यही कह रहा हूं कि जो गौचर नोट पर अतिक्रमण किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, वहाँ पर पाबंद किया जाए। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि पाबंद किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। जय हिंद जय भारत।